नागपुर में ब्रह्मोस एरोस्पेस के हेडक्वार्टर से आईएसआई जासूस निशांत अग्रवाल की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं, क्योंकि आरोपी निशांत अग्रवाल इसी हेडक्वार्टर में बैठकर देश की सुरक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियां पाकिस्तान को दे रहा था। फिलहाल एटीएस ने निशांत का लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिया है और अब जांच की जा रही है कि वो कब से आईएसआई की जासूसी कर रहा था और उसने अब तक किस प्रकार की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान पहुंचाकर देश की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम किया। ये अभी हम लोग जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स कितने पहुँचे और कैसे पहुँचे। इंटेलिजेंस ये है, किंतु इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन में थोड़ा सा अंतर होता है, बट जितना इन्वेस्टिगेशन अभी तक किया गया जिससे कि पाया गया कि ये गलत पोजेशन इनके पास सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का पाया गया है, उतना चार्ज है जितना मैं आपसे डिस्क्लोज अभी कर रहा हूँ इन्वेस्टिगेशन में। इसके आगे जो और बात निकलेगी, जितनी एविडेंस होगी वो किया जाएगा। बहुत सेंसिटिव इशू है, जितना एविडेंस है जो इन्वेस्टिगेशन है उसी के मुताबिक इसमें शब्द ब शब्द इन्वेस्टिगेशन तो चलेगा ही। अभी तक ये पता नहीं चला है कि निशांत अग्रवाल ने ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़ी जानकारियां दुश्मन देशों को दी हैं या नहीं, लेकिन ये पता चल चुका है कि वो जिस पोस्ट पर काम कर रहा था वहां से उसकी पहुंच ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम की गोपनीय जानकारियों तक थी। आरोपी निशांत अग्रवाल 31 जुलाई 2013 से मिशन ब्रह्मोस की नागरिक यूनिट में जुड़ा हुआ था। कथित तौर पर आईएसआई एजेंट निशांत अग्रवाल ब्रह्मोस एरोस्पेस में सीनियर सिस्टम इंजीनियर के रूप में काम कर रहा था। निशांत के पास सिस्टम इंजीनियरों, टेक्निकल सुपरवाइजर और टेक्नीशियन समेत 40 लोगों के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी। निशांत ब्रह्मोस के टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ग्रुप का भी सदस्य था। वो ब्रह्मोस नागपुर और पिलानी साइट्स प्रोजेक्ट की भी निगरानी कर रहा था। निशांत अग्रवाल को पिछले महीने ही यंग साइंटिस्ट अवार्ड से भी नवाजा गया था, जो उसे डीआरडीओ के चेयरमैन ने खुद दिया था, जिसकी फोटो भी निशांत ने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड की थी। लेकिन इतना सब होने के बावजूद निशांत आईएसआई का एजेंट बन गया, ये बड़ी चिंता की बात है। इसलिए कि कैसे आईएसआई वहां तक पेनिट्रेट की, किसके माध्यम से गई, कब से वहां पे वो एक्टिव है, कितनी इन्फॉर्मेशन उसने दी है। चलिए अरेस्ट हो गया तो इसके मतलब ये है कि एक बड़ा कोई स्पाई रिंग था जो काफ़ी समय से एक्टिव था वहाँ पे और उससे ये लोग जुड़े हुए थे। अब मुझे उम्मीद है कि जो बाकी लोग इससे जुड़े हुए थे वो भी अरेस्ट हो जाएंगे। महाराष्ट्र एटीएस ने रविवार की रात निशांत को हिरासत में लिया और फिर अगले दिन सुबह सुबह नागपुर के वर्धा रोड पर उसके घर में छापेमारी की। यहां से महाराष्ट्र एटीएस को निशांत के खिलाफ पुख्ता सबूत हाथ लगे हैं, लेकिन निशांत के पड़ोसी अभी भी ये बात मानने को तैयार नहीं हैं कि उनके पड़ोस में रहने वाला डीआरडीओ का अधिकारी देश का गद्दार भी हो सकता है। लेकिन बचपन से इसको देखते आए थे और थ्रू आउट ये इसका रिकॉर्ड भी फर्स्ट क्लास रहा है। यहीं से जहाँ सेंट कैबल से इसने 12 पास करी है, पढ़ाई में अच्छा है और हमें तो ये लगता है इसको फंसाया गया है किसी ना किसी ढंग से। यह है लड़का बहुत रिजर्व नेचर का था और साथ के साथ बहुत सहयोगी नेचर का था, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत होशियार, हर चीज़ में नंबर एक। इतनी अच्छी फैमिली है इनकी, इतना अच्छे व्यवहार है, हमें तो अब भी विश्वास नहीं है। हमें तो ऐसा लग रहा है जैसे फंसाया गया। इतनी अहम पोस्ट पर बैठकर निशांत ने देश की सेवा करने के बजाय देश से गद्दारी करने को तरजीह दी, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि वो अकेला नहीं है। निशांत के अलावा कानपुर और आगरा के रक्षा विभाग से जुड़े दो वैज्ञानिक भी जांच के दायरे में हैं। यूपी एटीएस की टीमों ने उनके यहाँ भी छापेमारी की है, लेकिन फिलहाल उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत हाथ नहीं लगा है। जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस चल रहा है, जैसा कि आप पूछ रहे हैं, तो जो बीएसएफ के एक कर्मी को हम लोगों ने अरेस्ट किया था उससे हम लोग को और भी चैट आईडीज मिली है और तीन व्यक्ति हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए, दो उसमें उत्तर प्रदेश के हैं और एक नागपुर के ये निशांत है। तो इन तीनों पे हम लोगों ने जांच की है, आगे संभावना और है कि ऐसे और भी लोग हमको मिलें जिनको हम लोग तलाश पाएँ। कानपुर में एक व्यक्ति की सर्च की गई है, मैं उनका नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहूँगा, आपसे भी कहूँगा नाम ना करें, क्योंकि अभी उनके खिलाफ सिवाय फेसबुक पे चैट करने की और कोई एविडेंस नहीं है। इसी प्रकार आगरा में जो व्यक्ति हैं उनके भी फेसबुक पे इस छदम आईडी से चैट हुई, तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो ऑफेंस हो और हो सकता है ऑफेंस ना भी हो, तो इन्वेस्टिगेशन अभी प्रोसेस में।
इस बात की पूरी संभावना है कि देश के रक्षा संस्थानों में आईएसआई के लिए जासूसी करने वाला निशांत अकेला नहीं है। जिस तरह बीएसएफ के एक जवान ने निशांत तक सुरक्षा एजेंसियों को पहुंचाया, वैसे ही अब निशांत भी हिंदुस्तान के गद्दारों को पहचानने में मददगार साबित हो सकता है।